फाइनली एलविश के पापा का रिएक्शन सामने आ चुका है, जो कि उनका व्यवहार था मनीषा के प्रति। क्योंकि काफी सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मनीषा के प्रति एलविश के पापा का व्यवहार अच्छा नहीं था, वो रूड साउंड कर रहे थे। अब उनका रिएक्शन सामने आया है। पहले उनसे पूछा जाता है कि मनीषा के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, काफी सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब मैं निकल रहा था तभी वो मुझे ससुर जी कह करके बुला रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, वो बहुत ही बढ़िया है। लोगों को क्या समझाऊं, मैं तो टीचर हूं, समझा कर आया हूं कि गेम पर फोकस करो। आप चुलबुली हो, आप नटखट हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बिग बॉस के बाहर भी बच्चों की लाइफ है। यहाँ पर उनका आगे कहना है कि मैं तो सिर्फ उसको ही समझा कर आया हूँ, अपने बेटे को भी मैंने नहीं समझाया, क्योंकि वो हमारी टीम में है और एक लड़की है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक वो टीचर है, सबका एक अलग अलग स्वभाव होता है। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि लोगों ने गलत ले लिया हो और उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लियर किया कि वो बहुत बढ़िया है, मैंने उसको सिर्फ समझाया है कि गेम पर ज़्यादा फोकस करो, आप चुलबुली हो, आप नटखट हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर भी एक लाइफ है। क्योंकि ऑफकोर्स कुछ दिन आपको शो में रहना है, बहुत सारे लोग हैं जो कि मनीषा पर सवाल उठाते हैं, जिस तरीके से मनीषा फ्लर्ट कर रही है या चीज़ें बोल रही है तो लोग सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अंकल का वो चीज़ें था कि बिग बॉस के बाहर की भी दुनिया है, यही एक दुनिया नहीं है। फिलहाल आपका क्या इस पर कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।